माय डियर स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। इससे पिछली वीडियो में हमने कराया था राष्ट्रपति के बारे में संपूर्ण जानकारी, और उससे पहले हमने कराया था राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, ये सभी चीज़ें कराया था। अब इस वीडियो में राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इन तीनों वीडियो को लगातार देखना, आपको पूरी की पूरी राष्ट्रपति के बारे में सभी जानकारी मिल जाएगी। आपका 100% कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 100% एक्यूरेसी जाएगी आपकी, और राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं। तो हम लोग शुरू करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। सबसे पहले राष्ट्रपति की शक्तियाँ, दो प्रकार की होती हैं, जनरल पावर्स सामान्य शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ। देखिए, आपातकालीन शक्तियों के लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, जिसको आप अलग से देखना, उसमें सब कुछ डिटेल है। इस वीडियो में हम राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों की जानकारी देंगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी शक्तियां होती हैं? सबसे पहले कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर्स, विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स, न्यायिक शक्तियां, जिसमें हमारी क्षमा, प्रतिलंबन, परिहार और लघुकरण और विराम, ये सभी न्यायिक शक्तियों में है, जिनको हम लोग कमांडली जुडिशियल पावर्स भी कहते हैं। और इसके आगे चलते हैं, वित्तीय शक्तियाँ, फिनेंशियल पावर्स, सैन्य शक्तियाँ, मिलिट्री पावर्स, राजनयिक शक्तियाँ, डिप्लोमेटिक पावर्स। अन्य शक्तियों में वीटो पावर्स, वीटो शक्तियाँ हैं, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास, विवेकाधीन शक्तियाँ भी हैं कुछ। ये सभी शक्तियों की जानकारी हम आपको पूरी इस वीडियो में देंगे। आप लोग कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपको राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। इसके साथ साथ हम, माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बताना चाहेंगे कि इमरजेंसी पावर्स के लिए, आपातकालीन शक्तियों के लिए एक अलग वीडियो बनाई गई है सेपरेट, जिसको आप लोग देख के अपनी जीके तैयार कर सकते हैं। आपकी पूरी की पूरी नॉलेज क्लियर हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहली शक्ति है कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति में एग्जीक्यूटिव पावर्स, देखिए कार्यपालिका शक्ति में अनुच्छेद 53 हमारा कहता है कि संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, अर्थात केंद्र सरकार की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, जिनका प्रयोग वह अधीनस्थ अधिकारियों मंत्र परिषद के माध्यम से करता है। इसके आगे चलते हैं अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 कहता है, राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति हेतु मंत्री परिषद का गठन करता है, लोकसभा और राज्यसभा से एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री। कैबिनेट मिनिस्ट्री में कुछ मंत्री होते हैं जो कैबिनेट लेवल के होते हैं, उनका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री किसमें आता है? अनुच्छेद 74 में। और राष्ट्रपति की सभी कार्यपालिका शक्तियां अनुच्छेद 53 में। इसके आगे चलते हैं अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 77 कहता है कि भारत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बताना चाहेंगे, केंद्र सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, लेकिन ये सभी कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा संचालित किए जाते हैं। अब देखिए, इसके तुरंत बाद अनुच्छेद 78 कहता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय और प्रशासनिक संबंधी सभी कार्यों की सूचना दे। इसका मतलब आप समझे कि प्रधानमंत्री सभी कार्य करेगा, लेकिन किसके नाम से होंगे? वो राष्ट्रपति के नाम से, और
प्रधानमंत्री जो भी कार्य करेगा अपने मंत्रिपरिषद के सलाह से करेगा और उन सभी की जानकारी राष्ट्रपति को तुरंत सूचना देता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, कार्यपालिका शक्ति में राष्ट्रपति को कुछ नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया है जिसके माध्यम से वो कुछ नियुक्ति कर सकता है। जैसे संघ के मंत्री, जो केंद्र सरकार के मंत्री होते हैं संघ के मंत्री, राज्यपाल। देखिए, प्रधानमंत्री की तो नियुक्ति करता ही है वो, अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है जिसके लिए एक मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिपरिषद का गठन करके वे एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ये हमारा अनुच्छेद 74 में है। ठीक है, और इसके आगे आपसे कह रहा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सहित, देखिए यहाँ पे भी प्रधानमंत्री आ रहा है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सहित निम्न नियुक्तियां करता है। प्रधानमंत्री के साथ साथ संघ के मंत्री, केंद्र मंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, महान्यायवादी होते हैं हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये देखिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करता है, इसको हम लोग कहते हैं यूपीएससी। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके आगे राष्ट्रीय एससी एसटी आयोग का, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कमीशन का गठन करता है वो, और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। वित्त आयोग की नियुक्ति करता है, फिनांस कमीशन की नियुक्ति करता है, राष्ट्रीय महिला आयोग की नियुक्ति करता है, ओबीसी आयोग की नियुक्ति करता है, मुख्य एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य जो दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनकी भी नियुक्ति करता है, अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति करता है। ठीक है, इस प्रकार से राष्ट्रपति इन सभी की नियुक्ति करता है। अंतर्राज्यीय परिषद है ये, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्यीय मतलब स्टेट, जो भी काउंसिल है उनकी भी नियुक्ति करता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग हमारे ऑप्टिमम सक्सेस एकेडमी नामक चैनल से जुड़ने के लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी प्रत्येक वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स जो कराई जाती हैं उनकी जानकारी आपको, उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। कार्यपालिका शक्ति के बाद अब हम चलते हैं विधायी शक्तियों पे। विधायी शक्तियां होती हैं हमारी लेजिस्लेटिव पावर्स। देखिए, अनुच्छेद 79 कहता है कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ संसद का भी अभिन्न अंग है। ठीक है, इसका मतलब है कि संसद में लोकसभा और राज्यसभा तो दो सदन होते ही हैं, उसके साथ साथ राष्ट्रपति भी उसका एक अभिन्न अंग है। मतलब संसद में तीन चीजें होती हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, अतः राष्ट्रपति को व्यापक विधायी शक्तियां प्राप्त है। जब वो संसद का अभिन्न अंग है तो उसको उसके हिसाब से और भी शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, अनुच्छेद 85 कहता है कि संसद का अधिवेशन बुलाने, समाप्त करने तथा लोकसभा को भी भंग कर सकता है। राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने के शक्ति प्राप्त है, उसको समाप्त भी कर सकता है अधिवेशन को, और लोकसभा को भी भंग कर सकता है। ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 85। आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी प्रत्येक वीडियो आपके लिए, पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्रत्येक वीडियो का प्रत्येक पॉइंट बहुत बारीकी से सुने, समझें और नोट कर लें। आपके लिए ये एग्जाम के लिए रामबाण है। अनुच्छेद 87 कहता है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद वह प्रतिवर्ष प्रथम बैठक में दोनों सदनों को संबोधित करता है। राष्ट्रपति जब कोई भी लोकसभा का चुनाव होता है
तो उसके उसका जो जो पहला सत्र होता है उस उन उसमें दोनों सदनों को वो संबोधित करता है। इस पर क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं कि लोकसभा के इलेक्शन के बाद पहला सत्र कौन संबोधित करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अनुच्छेद 86 कहता है कि संसद के सदनों में संदेश भेजना व सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा करना, संसद के जो सदन होते हैं उनको नोटिस भेजता है वो, और सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा करता है। ठीक है, उनकी सबकी जानकारी करता है। अनुच्छेद 108 कहता है कि संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग बुला सकता है। मान लीजिए लोकसभा में और राज्यसभा में आपस का मतभेद है, तो उसके लिए एक कंबाइंड सेशन मतलब जॉइंट सिटिंग बुला सकता है, संयुक्त बैठक, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। उस जब जो राष्ट्रपति उसका सेशन बुलाएगा कंबाइंड सेशन, तो उसकी लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्षता करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं पेपर में, आपको ये याद रखना है, कई बार पूछे गए हैं। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 80 कहता है कि राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य हैं, उनमें से 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है वो। 12 सदस्य किस किस से मनोनीत होंगे, साहित्य से हो सकते हैं, विज्ञान से हो सकते हैं, कला आर्ट से हो सकते हैं, और समाज सेवा क्षेत्र सोशल सर्विस या सोशल वर्कर जो होते हैं उससे हो सकते हैं, इन्हीं क्षेत्रों से हो सकते हैं वो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अनुच्छेद 331 कहता है कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है, लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है वो। टोटल लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 545, उसमें से 2 को मनोनीत करता है। ठीक है, अनुच्छेद 111 संसद द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करता है। संसद से जो भी विधेयक पारित होता है, जब तक उसको राष्ट्रपति स्वीकृत नहीं दे देता, वह विधेयक कानून नहीं बनता। कानून बनने के लिए उसे राष्ट्रपति से परमिशन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, निम्नलिखित विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। ठीक है, ऐसे कुछ विधेयक हैं जिनको संसद में प्रस्तुत करने के लिए पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है, जैसे कौन कौन से, धन विधेयक, मनी बिल। अनुच्छेद 110 कहता है, 117 में आता है हमारा वित्त विधेयक। आगे चलते हैं, किसी नए राज्य के निर्माण, सीमा या नाम परिवर्तन वाले विधेयक, भूमि अधिग्रहण विधेयक। ये 4 विधेयक कुछ ऐसे हैं जिनको प्रस्तुत करने के लिए पहले राष्ट्रपति की परमिशन जरूरी है, बिना अनुमति के संसद में ये प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। ठीक है, इसके आगे चलते हैं हम लोग, इसके आगे और भी कुछ विधेयक हैं जिनके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है, जैसे व्यापार की स्वतंत्रता को सीमित करने वाला राज्य का कोई विधेयक, मतलब किसी भी राज्य का अगर कोई विधेयक है और वह व्यापार की स्वतंत्रता को, फ्रीडम ऑफ ट्रेड को अगर वो सीमित करेगा, तो उसके लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है। यह हमारा अनुच्छेद 304 कहता है। आगे, कराधान संबंधित, टैक्सेशन संबंधित कोई भी विधेयक जिससे राज्य का हित प्रभावित हो, ये अनुच्छेद 274 कहता है। टैक्सेशन से कोई भी संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही संसद में प्रस्तुत होता है।
ये सभी मैंने आपको विधेयक बताए, कौन कौन से विधेयक बताए आपको ये सब याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं, बहुत जरूरी हैं ये देखिए, ये इन पर 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धन विधेयक, वित्त विधेयक, किसी भी राज्य के लिए कोई भी विधेयक बन रहा हो, भूमि अधिग्रहण विधेयक, व्यापार की स्वतंत्रता, कराधान संबंधी, ये पांच कंडीशन में कोई भी विधेयक आएगा तो पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। आगे चलते हैं हम लोग, न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां जुडिशियल पावर्स। देखिए राष्ट्रपति को कुछ जुडिशियल पावर्स भी प्रोवाइड की गई हैं, जिनको हम लोग न्यायिक शक्तियां कहते हैं। न्यायिक शक्ति में सबसे पहले है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और स्टेट लेवल पे जो हाई कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट्स की के जज की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ हम चलते हैं अनुच्छेद 143, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखने हैं। ये तीनों पॉइंट आपके लिए रामबाण है, पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कोई भी चीज कंसल्ट कर सकता है, ये अनुच्छेद 143 के तहत है, आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50 कहता है न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक है, जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका है ये दोनों अलग चीजें हैं, इनका किसी से कोई मतलब कोई किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये हमारा कहता है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को कुछ क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें जितने भी ये पॉइंट मैंने आपको लिखाए हैं ये पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं, 100% क्वेश्चन आता है। अनुच्छेद 72 क्षमादान, राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्ति है उसके लिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्षमादान की शक्ति मंत्रिमंडल की सिफारिश से ही होती है, बिना मंत्रिमंडल की सिफारिश से राष्ट्रपति किसी को क्षमादान की शक्ति नहीं देता, क्योंकि राष्ट्रपति के पास कोई भी मैटर पहुंचता है तो वो मंत्रिमंडल की सिफारिश से ही पहुंचता है। इसमें यह शक्ति संघीय विषय, केंद्र के जो विषय है, सेना न्यायालय तथा मृत्यु दंड के संबंध में है, जो आर्मी के कोर्ट हैं उनके लिए, केंद्र सरकार के जो सब्जेक्ट्स हैं और जो फांसी की सजा है मृत्यु दंड उसके लिए है ये। इसमें कौन कौन से हैं देखिए, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को पांच प्रकार की शक्तियां प्रोवाइड की गई हैं, इनको आप लोग समझिए, मैं आपको एक एक करके समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षमादान, क्षमादान में पहली शक्ति है क्षमा, क्षमा मतलब पार्डन, इससे क्या है कि दंड से पूर्णतः मुक्ति, जैसे मान लीजिए किसी को फांसी की सजा सुनाई गई है तो राष्ट्रपति उसे बिल्कुल बरी कर सकता है, ये दंड से पूर्णतः मुक्ति हो गई। अब प्रतिलंबन, प्रतिलंबन होता है रिप्राय, मृत्यु दंड को अस्थायी रूप से निलंबित कर सकता है, जो फांसी की सजा है उसको कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से सस्पेंड कर सकता है, मतलब रोक सकता है कुछ समय के लिए, ठीक है, ये प्रतिलंबन की हो गई। अब परिहार, परिहार में है रिमिशन, दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा को कम कर सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जैसे किसी को उम्र कैद है तो उसको जो है उसकी मात्रा को थोड़ा सा कम कर सकता है, ठीक है। आगे लघुकरण, दंड की प्रकृति या कठोरता को कम कर सकता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लघुकरण का मतलब यह है कि
कोई भी जो सजा है उसको कम कर सकता है। मान लीजिए उम्र कैद की सजा है तो उसको जो है कुछ समय के लिए कर दे, 20 साल की कर दे, ये जो प्रकृति को कम कम कर दिया, कम समय के लिए कर दिया। पिराम, किसी विशेष कारण से दंड की मात्रा को कम कर सकता है। जो दंड की मात्रा है, मान लीजिए किसी को कोई बहुत कठोर दंड दिया गया है, उसकी मात्रा को भी कम कर सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये 5 शक्तियां राष्ट्रपति की आपको याद रखनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके साथ साथ अनुच्छेद जरूर याद रखना है आपको, ये मत भूल जाना, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं, इसके साथ आगे चलते हैं। ये हमारी न्यायिक शक्तियों में ही है। अनुच्छेद 145 कहता है कि संसद विधि के तहत सर्वोच्च न्यायालय हेतु नियम बना सकता है। संसद विधि के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के लिए कुछ कानून बना सकता है, यह शक्ति 145 में है। अनुच्छेद 222 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण, इस पर इन दोनों पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे भी जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट्स के जो जज होते हैं उनका ट्रांसफर करने की पावर राष्ट्रपति के पास है, इसको आप लोगों को याद रखना है। अब हम लोग आगे चलते हैं, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियों में कौन कौन सी हैं? फाइनेंशियल पावर्स। देखिए, वित्तीय शक्तियों में अनुच्छेद 112 कहता है कि प्रतिवर्ष संसद के दोनों सदनों के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखवाता है। मतलब जो जो बजट आता है, पूरी साल का जो बजट होता है और जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, इसको वो संसद के सामने प्रस्तुत करवाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 112 के तहत है। अनुच्छेद 267 का वन, भारत की आकस्मिक निधि जो कंटिंजेंसी फंड है उस पर राष्ट्रपति का पूर्ण नियंत्रण होता है, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो का प्रत्येक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सेलेक्टेड चीजें आपके लिए हम लेके आए हैं, कृपया करके पूरी वीडियो देखें अंत तक और अपनी जीके को, अपनी राष्ट्रपति के की नॉलेज को बहुत मजबूत करें। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशें, वित्त आयोग की जो भी सिफारिश होगी वो अनुच्छेद 281 में आएगी। ठीक है, इसके साथ साथ बिना राष्ट्रपति की अनुमति के, हमने ये चीज आपको पहले भी पीछे भी कराई है, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भी धन विधेयक, वित्त विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकते, ये इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते चलिए इनको। अब हम लोग आगे चलते हैं, राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां, मिलिट्री पावर्स। ये अक्सर पूछ लेता है कि सैन्य शक्तियों में, ये जरूर पूछता है कि तीनों सेनाओं का राष्ट्रपति सेनापति होता है, सर्वोच्च सेनापति, सुप्रीम कमांडर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं, जल थल और वायु सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है, तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। ये देखिए, तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी भी नियुक्ति करता है, युद्ध की घोषणा करता है, अगर कोई समस्या होती है, कोई दूसरा देश अटैक कर देता है, कुछ भी होता है तो युद्ध की घोषणा कर सकता है, शांति स्थापित करने की शक्ति है, युद्ध हो रहा है उसको जो है शांत करने की भी शक्ति है उसके पास। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, राजनयिक शक्तियां, डिप्लोमेटिक पावर्स। राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियों में कौन कौन सी हैं? विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ये चीज
राष्ट्रपति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विदेशों में जो भी काम होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, जिसमें राष्ट्रपति भारत का प्रतिनिधित्व करता है। विदेशों में राजदूतों, कूटनीतिज्ञों, उच्च आयुक्तों की नियुक्ति करता है, इन सभी की नियुक्ति करता है तथा उनके लिए प्रमाण पत्र स्वीकारता है, उनके जो भी प्रमाण पत्र होते हैं उन्हें भी एक्सेप्ट करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां, इंटरनेशनल ट्रीटी करता है। इसके साथ साथ सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों के साथ साथ सभी समझौते करता है तथा करार करता है। किसी भी देश से कोई डील होती है तो वो भी राष्ट्रपति के नाम से ही करता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये सब काम राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं, राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को कुछ वीटो शक्तियां दी गई हैं, जिसके तहत वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। जैसे वीटो शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ है, लैटिन शब्द है ये, इसका अर्थ है रोकना, किसी भी चीज को रोकना या होल्ड कर देना। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग हमारे ऑप्टिमम सक्सेस एकेडमी नामक चैनल से जुड़ने के लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी प्रत्येक वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स जो कराई जाती हैं उनकी जानकारी आपको, उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को स्पष्टतः वीटो शक्ति प्रदान नहीं की गई, मतलब संविधान की तरफ से राष्ट्रपति को कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई, लेकिन संवैधानिक परंपरा के अनुसार तीन प्रकार की वीटो शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। संविधान की तरफ से कोई नहीं है, लेकिन फिर भी संवैधानिक परंपरा के अनुसार उनको तीन प्रकार की शक्तियां दी गई हैं। कौन कौन सी हैं? अत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। देखिए, एब्सोल्यूट वीटो तीन केस में प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले गैर सरकारी विधेयक हो, गैर सरकारी विधेयक का मतलब संसद का वह सदस्य जो मंत्री ना हो, मतलब ऐसी पार्टी या ऐसा कोई सदस्य विधेयक लेके आए जो मंत्री नहीं है, तो ऐसा विधेयक गैर सरकारी विधेयक माना जाएगा। विधेयक पारित कराने वाली सरकार यदि राष्ट्रपति की स्वीकृति से पूर्व इस्तीफा दे दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी भी सरकार ने अपना विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा और राष्ट्रपति ने उसको परमिशन देने से पहले वह सरकार गिर जाती है या फिर सरकार अपना इस्तीफा दे दे, तो इस केस में अत्यंत वीटो का प्रयोग कर सकता है। एक तीसरा केस है विधेयक अल्पमत वाली सरकार का हो, मतलब बहुमत वाली सरकार का विधेयक ना हो के अल्पमत वाली सरकार का विधेयक हो, तो ऐसी तीन कंडीशंस में अत्यंतिक वीटो का प्रयोग कर सकता है। इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उपरोक्त परिस्थितियों में राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृत के लिए बाध्य नहीं है, मतलब राष्ट्रपति के ऊपर कोई भी बाध्यता नहीं है कि ऐसी स्थिति में, इन तीनों स्थिति में वह अपना कुछ भी जवाब दे, स्वीकृत के लिए बाध्य नहीं है वो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, निलंबनकारी वीटो, सस्पेंशन वीटो। ये हमारी अनुच्छेद 111 के अंतर्गत है। ठीक है, अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति के पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जिनको हम लोग निलंबनकारी वीटो में मान के चलते हैं। जैसे धन व संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर शेष विधेयकों को राष्ट्रपति संसद को पुनर्विचार हेतु वापिस लौटा सकता है। ठीक है, जैसे धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर, ये दो विधेयक छोड़कर राष्ट्रपति कोई भी विधेयक संसद को
पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। इसको निलंबन वीटो कहते हैं। अब देखिए, संसद के पुनर्विचार के बाद वापस आने पर स्वीकृति देना अनिवार्य है। अब ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे राष्ट्रपति ने विधेयक को संसद को दे दिया कि इस पर पुनर्विचार करिए, तो अगर पुनर्विचार के बाद संसद दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज देता है तो राष्ट्रपति को उसके लिए स्वीकृति देना अनिवार्य है। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसा अब तक दो बार हुआ है, जिसमें पहली बार सर्वप्रथम राष्ट्रपति वेंकट रमन ने सांसदों का पेंशन विधेयक लौटाया। ये निलंबनकारी वीटो के ऊपर इन दोनों पॉइंट पर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे पहले निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किसने किया, तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति वेंकट रमन ने किया। और किस लिए किया? सांसदों का पेंशन विधेयक लौटा दिया था, उन्होंने सांसदों का जो पेंशन के लिए विधेयक था उसको रिटर्न कर दिया पुनर्विचार के लिए। ऐसे ही अब्दुल कलाम ने सांसद अयोग्यता निवारण संशोधन विधेयक 2005 लौटा दिया था। जब अब्दुल कलाम जी हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने 2005 में सांसद की अयोग्यता निवारण के लिए विधेयक था उसको पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दिया था। अब हम लोग आगे चलते हैं। जेबी वीटो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। जेबी वीटो, इसमें राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो अपनी सहमति देता है, ना ही स्वीकृति देता है और ना ही पुनर्विचार के लिए लौटाता है। ऐसी शक्ति को जेबी वीटो कहा जाता है। आप समझे, राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आया तो राष्ट्रपति ने उस पर कुछ अपना रिप्लाई ही नहीं किया, ना तो स्वीकृति दी, ना सहमत हुआ और ना ही लौटाया, मतलब एकदम अपने पास रोक लिया उसको। इसको जो अब जेबी वीटो कहते हैं। इस तरह यह विधेयक अनिश्चित काल के लिए अपने पास रोक सकता है। राष्ट्रपति के पास कोई भी विधेयक पे स्वीकृति देने के लिए कोई निश्चित समय नहीं है, वह कितने भी समय तक के लिए अपने पास रोक सकता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी विधेयक पर निर्णय देने के लिए संविधान में कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। राष्ट्रपति के ऊपर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप एक महीने में, एक साल में, छह महीने में, पांच साल में कभी भी उस पर अपनी स्वीकृति देना, ऐसा नहीं है। वो जब चाहे तब फ्री है, कोई समय सीमा नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, जेबी वीटो का सबसे पहले प्रयोग सर्वप्रथम ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 ईस्वी में भारतीय डाक संशोधन, जो पोस्ट ऑफिस बिल था, उसके संबंध में इसका प्रयोग किया। ज्ञानी जैल सिंह, ये पूछा जाता है बहुत, जेबी वीटो का प्रयोग सबसे पहले किसने किया और कब किया, तो 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में किया। अब हम लोग आगे चलते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें कि इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो, ठीक है। आप लोगों को ये याद रखना है 100%। ये हमारा अनुच्छेद 123 में आता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। देखिए, अध्यादेश क्या चीज होती है? जब संसद के सत्र ना चले तब राष्ट्रपति को यदि विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति में अविलंब कार्रवाई आवश्यक है, मतलब संसद का ना तो लोकसभा का ना राज्यसभा का कोई भी सत्र नहीं चल रहा और राष्ट्रपति को ऐसा विश्वास हो कि कोई कार्रवाई करना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए वह अध्यादेश जारी कर सकता है। तब राष्ट्रपति अध्यादेश से कानून की घोषणा कर सकता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है आपको। राष्ट्रपति की यह शक्ति विवेकाधीन नहीं है, ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है।
ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति विवेकाधीन है या नहीं है, तो ये नहीं है, आपको याद रखना है नहीं है। अब देखिए, अध्यादेश जब राष्ट्रपति लागू कर देता है तो इसका प्रभाव संसद द्वारा पारित अधिनियम के समान ही होता है। जैसे संसद से कोई भी कानून बनता है तो उसी के जैसा कानून हो जाता है, लेकिन इसके साथ कुछ समय सीमा है, यह 6 माह तक ही रह सकता है। सत्र आने के 6 सप्ताह बाद, मतलब 1.5 महीने में 42 दिन के अंदर यह अध्यादेश संसद से पारित होना आवश्यक है। अगर पारित नहीं होगा तो यह अध्यादेश रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल मान लिया जाएगा। राष्ट्रपति इसे कभी भी वापस ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से इसको कभी भी लौटा सकता है। यदि संसद का केवल एक सदन सत्र में हो, मान लीजिए केवल एक ही सदन का सत्र चल रहा है, तब भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। यदि संसद का केवल एक सदन सत्र में हो तब भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है, क्योंकि केवल सदन विधि बनाने में सक्षम नहीं है। ऐसा है, अगर कोई एक सत्र चल रहा है तब भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, क्योंकि केवल एक सदन चलने से कोई कानून बन नहीं सकता, इसलिए वह अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन 6 माह तक ही रहेगा वो अध्यादेश। ये सब चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, 6 माह तक। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, मूल अधिकारों को कम या राज्य सूची विधेयक पर कोई भी अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता, ठीक है, समझ में आए। किन किन चीजों पर अध्यादेश राष्ट्रपति जारी नहीं कर सकता? धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, मूल अधिकारों को कम करना, या किसी भी राज्य सूची के ऊपर कोई भी अध्यादेश जारी नहीं की जा सकता। ये इम्पोर्टेंट है चीज, आपको याद रखनी है। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, इस पे भी अक्सर क्वेश्चन पूछ सकता है। राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। यदि लोकसभा चुनाव में किसी राजनीतिक दल या दलों के गठबंधन को स्पष्ट बहुमत न मिले तो राष्ट्रपति अपने विवेक से प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। मान लीजिए लोकसभा में इलेक्शन हुआ और कंडीशन ऐसी आती है कि किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं है, तो वह अपने विवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, ठीक है। ऐसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा का विघटन का निर्णय जिसने लोकसभा में बहुमत का समर्थन खो दिया हो अथवा अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दिया हो, इसमें राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश मानने को बाध्य नहीं है। यहाँ वह स्वविवेक से कार्य करता है। ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। देखिए, लोकसभा का विघटन, ऐसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा का विघटन का निर्णय जिसमें लोकसभा में बहुमत का समर्थन खो दिया हो, ऐसी मंत्रिपरिषद हो जिसमें उसने अपना बहुमत खो दिया है, ठीक है, या फिर अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दिया हो, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की, जो प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद होता है, उसकी सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है, वह स्व विवेक से कार्य कर सकता है। आगे चलते हैं। यदि प्रधानमंत्री का आकस्मिक निधन हो जाए, मान लीजिए प्रधानमंत्री का निधन हो जाए तथा सत्ताधारी दल अपना नेता न चुन पाती हो और जो सत्ता में है उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है नेता चुनने का, तो राष्ट्रपति अपने विवेक से सत्ताधारी दल के किसी नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। ऐसा केस इंदिरा गांधी की हत्या के समय आया था, ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई थी कि उनकी हत्या कर दी गई थी और वो पूर्ण बहुमत में थी, उस समय प्रधानमंत्री को चुना गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राष्ट्रपति की तीनों वीटो शक्तियां भी विवेकीय हैं, ठीक है,
ये स्वविवेकी हैं, राष्ट्रपति के पास जो अत्यंतिक निलंबनकारी व पॉकेट वीटो हैं, ये तीनों विवेकाधीन हैं। मंत्रिपरिषद यदि लोकसभा में बहुमत खो दे किंतु त्याग पत्र देने को तैयार ना हो, मान लीजिए जो मंत्रिपरिषद है उसने अपना बहुमत खो दिया लेकिन वो जो है त्याग पत्र देने को तैयार नहीं है, तो राष्ट्रपति स्वविवेक से सरकार को बर्खास्त या भंग कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति, या फिर सरकार को बर्खास्त कर सकता है क्योंकि बहुमत नहीं है और जो त्याग पत्र देने के लिए तैयार नहीं है, तो ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्रिपरिषद की सलाह को तथा अनुच्छेद 171 के अनुसार संसद द्वारा पारित विधेयक पुनर्विचार हेतु लौटाने की शक्ति भी विवेकाधीन शक्ति है। ये दोनों शक्तियां मंत्रिपरिषद की सलाह को और संसद द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने की शक्ति भी विवेकाधीन शक्ति में ही आती है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ हम लोगों ने राष्ट्रपति पढ़ा, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ा। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को अपने साथ के दोस्तों, अपने कलीग्स वगैरह को, सबको शेयर करें, जिससे कि सबकी तैयारी हो सके और सबका सिलेक्शन हो सके। हमारी वीडियो को देखने के बाद माय डियर स्टूडेंट्स, आपको कोई एक्स्ट्रा नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी और आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, 100% आपका क्वेश्चन सही होगा। इसके साथ हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।